बीजेपी नेताओं के कई ट्वीट पार्टी को भारी पड़े। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई ऐसे ट्वीट हुए जो कि बीजेपी पर उल्टे पड़ते दिखाई दिए, लेकिन एक ऐसा ट्वीट भी रहा जो बीजेपी को डिलीट करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार गिर रही बीजेपी की और उसके एक ऐसे ट्वीट की जो शायद बीजेपी को भी गलत लगा। हालांकि एहसास होने में देर हो गई और तब तक इसकी ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूं तो कई मौके आए हैं जब बीजेपी के वार उसे ही भारी पड़े, लेकिन एक मामला ऐसा भी है जिसकी वजह से बीजेपी को शर्मिंदगी तक झेलनी पड़ी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी खूब देखने को मिल रही है। कांग्रेस बीजेपी पर भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर झूठ फैलाने का भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि झूठ फैलाने के लिए पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु बीजेपी के आईटी सेल के चीफ निर्मल कुमार ने एक राहुल गांधी का विरोध करने के चक्कर में एक विवादित ट्वीट कर दिया था। इस ट्वीट में राहुल गांधी के साथ एक बच्ची, एक लड़की दिखाई दे रही है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी हाथों में मेहंदी लगाकर बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ऐसे में उन्हें कौन सीरियस ले सकता है। बाद में सामने आया कि लड़की राहुल गांधी की भांजी मिराया वाड्रा हैं और बीजेपी नेता निर्मल कुमार ने जो तस्वीर शेयर की वो 7 साल पुरानी है। निर्मल कुमार के ट्विटर बायो के मुताबिक वो तमिलनाडु में बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। निर्मल कुमार ने तमिल में ट्वीट किया जिसका हिंदी अनुवाद है, पप्पू मेहंदी लगाने और बच्चों के साथ खेलने में खुश लग रहा है। मैं उन 10 व्यक्तियों के बारे में चिंतित हूँ जो पप्पू को एक सीरियस मटेरियल समझ कर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हालांकि विवाद ज्यादा बढ़ा तो बीजेपी नेता को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा और इसे राजनीतिक टिप्पणी उन्होंने बताया। उन्होंने अपने बयान का गलत मतलब निकालने का भी आरोप लगा दिया। निर्मल ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें राहुल के साथ दिख रही बच्ची उनकी भांजी मिराया वाड्रा हैं। मिराया प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा की बेटी हैं। दोनों लोग राजीव गांधी की 71वीं जयंती के स्मरण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और ये फोटो 2015 की है, 7 साल पुरानी। तब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 71वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के वीर भूमि मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी कार्यक्रम में अपने नाना को श्रद्धांजलि देने के लिए मिराया वाड्रा भी पहुंची थी। निर्मल कुमार के ट्वीट वाली फोटो भी इसी कार्यक्रम की है। कांग्रेस ने एक बड़ा मौका कांग्रेस को मिल गया और निर्मल कुमार को बहुत ही करारा जवाब दिया गया। निर्मल कुमार के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। कांग्रेस ने भी निर्मल कुमार को ट्वीट का जवाब दिया। तमिलनाडु कांग्रेस ने तमिल में ट्वीट किया जिसका हिंदी अनुवाद है, राहुल गांधी का राजनीति में सामना नहीं कर पाई तो बीजेपी अब इस तरह से हमला कर रही है। फोटो में राहुल गांधी की भांजी हैं। इस तरह के हमले बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता को दिखाते हैं। गौरव वल्लभ ने सवाल किया, सीटीआर निर्मल कुमार नामक जो व्यक्ति है उसने घृणित ट्वीट दिल्ली से किसके इशारे पर किया? ये व्यक्ति अपने पद पर क्यों बना हुआ है? उसको कौन निर्देशित कर रहा है? उन्होंने पूछा, क्या नरेंद्र मोदी जी और भाजपा अध्यक्ष देश से माफी मांगेंगे? कांग्रेस की पूजा त्रिपाठी ने निर्मल कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी की भांजी की फोटो का इस्तेमाल करना घटिया, नीच और निंदनीय है। साथ ही केवल 10 लोग तो आपके सपने में होंगे, असल में बड़ी संख्या में लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। मुझे पता है कि इस यात्रा ने आपको इतना परेशान किया है कि आप निजी तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत लगातार ट्वीट कर रही हैं, तमाम मुद्दों पर वो पलटवार करती हैं। मुझे इस दयनीय आदमी निर्मल कुमार पर दया आती है। मान लीजिए कि वो बीजेपी आईटी सेल के योग्य है क्योंकि वो एक विकृत है, ये राहुल गांधी की भांजी है, अब अपना ट्वीट हटाओ। फिल्म मेकर हंसल मेहता ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, ये निर्मल कुमार एक बीमार आदमी है, इनकी टिप्पणियां इनकी मानसिकता को दिखाती हैं। आशा है कि बीजेपी ऐसे कमेंट से खुद को अलग करेगी। और ये बाद में ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा, तो निश्चित तौर पर निर्मल कुमार के ऊपर भी ये दबाव आया होगा कि आपको अपना ट्वीट डिलीट करना चाहिए, गड़बड़ी कर दी। जल्दबाजी में गड़बड़ियां कई बार हो रही हैं बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, और इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में है और यही ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ जाता है कि राहुल गांधी की यात्रा है, उनकी कुछ कमियों को ढूंढा जाए, उनकी पुरानी इमेज या इमेज को बिगाड़ने के लिए जितना काम किया गया उसी के सहारे अभी चल रहे हैं। लेकिन वक्त बदलता जा रहा है, अब लोगों को ये चीज़ें प्रभावित नहीं कर रही कि आप किसी के पुराने वीडियोस निकालते हैं या भाषणों या स्लिप हो जाती है टंग और आप उसको एक मुद्दा बनाते हैं और फिर उसके बाद में पता लगता है कि ये तो हर राजनीतिक दल से, हर कद के नेता के साथ इस तरह की गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी के साथ होती हैं।
बहरहाल ये बात सही है कि राहुल गांधी धीरे धीरे राजनीति में अलग अलग पायदान चढ़ रहे हैं, उनको अभी काफ़ी कुछ सीखना है, काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह, ये सब बहुत ही दिग्गज और बहुत मंजे हुए नेता हैं। इनके सामने राहुल गांधी सचमुच बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और उस पर हमला करना बीजेपी को जो भारी पड़ा, उससे राहुल की इमेज भी जो है वो लगातार मजबूत हुई है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पीटीआर त्यागराजन ने भी इस ट्वीट पर जवाब दिया। उन्होंने निर्मल कुमार पर हमला बोला, उन्होंने कहा दुर्भाग्य से आप बॉटम फीडर से, इस तरह के कचरे से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, जो महिलाओं के बारे में गलत सोच रखते हैं। निश्चित रूप से तमिलनाडु बीजेपी उन्हें एक अवार्ड देगी और इस नीच कलंक के लिए उन्हें सम्मानित करेगी। वो सिर्फ अपने बॉस के निर्देशों का पालन कर रहा है। इस तरह के कई हमले करने का मौका कांग्रेस को मिल गया, लेकिन ये बात भी सही है कि कई बार जब सोशल मीडिया पर किसी पर हमला करना होता, राजनीतिक आक्षेप ही क्यों ना हो, निर्मल कुमार ने खुद कहा कि एक राजनीतिक टिप्पणी थी, लेकिन ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। कई बार राजनीति के चक्कर में सचमुच में गिरे हुए ट्वीट्स देखने को मिलते हैं और ये एक गंभीर समस्या है। ऐसा लगता है कि इनसे सबक लेकर, क्योंकि आम लोग भी इसको पसंद नहीं करते हैं, फिर जमकर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, लिहाजा इन चीज़ों को ध्यान में रखकर, बच्चों की तस्वीरें हैं, आपने देखा था कि हिजाब वाली बच्ची की तस्वीर को पोस्ट करने के बाद में बीजेपी के एक अन्य नेता भी जो है इसी तरह सवालों के घेरे में आए थे, उस पर हमने एक अलग रिपोर्ट बनाई है। बहरहाल उस पूरी रिपोर्ट पर मैं नहीं जाता हूँ, उस कहानी पर नहीं जाता हूँ, लेकिन एक नहीं दो नहीं ऐसे कई ट्वीट्स हैं। ये ट्वीट इतना शर्मनाक था या इससे शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा बीजेपी के नेता को, और निश्चित तौर पर बीजेपी के अन्य शीर्ष नेताओं ने भी इसको पसंद नहीं किया होगा, और बहुत मुमकिन है कि इस तरह के निर्देश जारी किए गए हों कि जब भी राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जनता सब देख रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर जब जब हमला हो रहा है, उल्टा पड़ जा रहा है, पहला मौका नहीं है, शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसे कई मौके आ गए हैं जब जब बीजेपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी पर कोई हमला किया तो ये बीजेपी को उल्टा पड़ गया। एक और ताजा मामला सामने आया जब एक ट्वीट संबित पात्रा को ही उल्टा पड़ गया। दरअसल संबित पात्रा जाने जाते हैं अपने तेज तर्रार बयानों के लिए, अपनी बहस के लिए, गाये बगाए वो ट्विटर के जरिए भी कई हमले करते रहते हैं, लेकिन इस बार हमला थोड़ा सा महंगा पड़ गया और एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की आईटी सेल बहुत एक्टिव है, जैसे ही कोई हमला होता है उस पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए चाहे टी शर्ट का विवाद हो या स्वामी विवेकानंद को सम्मान देने का विवाद हो, ऐसे तमाम विवादों के दौरान बीजेपी को ये सारे मामले उल्टे पड़ गए और कांग्रेस की आईटी सेल ने ऐसी बहुत सारी चीजें पेश कर दी जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई और एक और ऐसा ही मौका दे दिया संबित पात्रा ने। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले और उनके पीछे एक जन सैलाब चल रहा है, लेकिन उनके हर पहलू, प्रयास और कदम पर बीजेपी की बारीक निगाह भी टिकी हुई है। बीजेपी इस यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और उनके साथ में खड़ी हिजाब पहने एक छोटी लड़की की तस्वीर शेयर कर निशाना साधा, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घेर लिया। कुछ लोग उनकी जालीदार टोपी पहने तस्वीर शेयर कर ट्रोल करने लगे, जिससे अब तो यह लगने लगा है कि संबित पात्रा का ट्वीट उन्हीं पर भारी पड़ गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो दिन रात कमियां खोजकर राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगी है, लेकिन कामयाब नहीं होगी क्योंकि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी की कौन सी तस्वीर शेयर की थी जिसे शेयर कर बीजेपी नेता खुद यूजर्स के निशाने पर आ गए। संबित पात्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हिजाब पहने हुए एक बच्ची का हाथ पकड़े राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की। फोटो शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में पात्रा ने लिखा, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब तो तुष्टिकरण कहलाता है। संबित पात्रा द्वारा किए गए इस ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं के साथ आम सोशल मीडिया यूजर्स भी उन पर कटाक्ष करने लगे। वहीं कुछ यूजर्स ने तो मुस्लिमों के साथ पीएम मोदी समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह कि संबित पात्रा की खुद ही जालीदार टोपी पहने हुए एक दरगाह की तस्वीर है, एक ऐसी जगह पर वो पहुंचे थे जो कि इस्लामिक मान्यता वाला स्थान है, वहां पर पहुंचने की तस्वीरें जमकर शेयर की गई। हालांकि पुरानी तस्वीर थी, लेकिन इस पर कोई जवाब अब बीजेपी से या संबित पात्रा से देते नहीं बन रहा है, ये बात भी सही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पात्रा के ट्वीट पर पलटवार कर कहा कि संबित, तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा, यात्रा में अपार जनसमूह देखकर बौखलाना एक बात
बात है, पर नफरत से इस तरह अंधा होना ये अलग बात है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने जालीदार टोपी पहने संबित पात्रा की तस्वीर के साथ लिखा, जरा टोपी से पहचानो ये मियां कौन है। कांग्रेस नेता तौकीर आलम ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की कई और तस्वीरें शेयर कर लिखा कि तुम इतने जहरीले क्यों हो, तुम्हें पूरी यात्रा में अब तक सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई दी, कितनी नफरत करते हो तुम मुस्लिमों से। कांग्रेस नेता शैलेंद्र चौधरी ने अपनी पोस्ट में लिखा, झूठे को हर जगह झूठ दिखाई देता है और नफरती व्यक्ति को हर जगह नफरत, पर जो सच और ईमानदारी को साथ लेकर देश से नफरत मिटाकर भारत को जोड़ने निकले हैं वो देशभक्त, भारत माता के बच्चों में भेद नहीं करते। तुम बांटने में लगे रहो, हम जोड़ने में लगे रहेंगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की यही थीम बनाई गई है कि नफरत को हटाना है, भारत को जोड़ना है। और उसमें जब ऐसी कोई तस्वीर वायरल होती है, ऐसी कोई तस्वीर सामने आती है, उस पर इस तरह की कोई टिप्पणी ये मुस्लिम विरोध को दिखाती हुई दिखती है। और ये बात अब कांग्रेस की तरफ से पुरजोर तरीके से कही जा रही है। केरला प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने भी इस पर ट्वीट किया और राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, इसको भी देखा होता वैसे अच्छा लगा कि भाजपा श्री राहुल गांधी को फॉलो करती है, बाकी सब चंगा सी। विनीत पुनिया ने अपने पोस्ट में लिखा, नफरती व्यक्ति को हर जगह नफरत दिखाई देती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर भाजपाई नेता जनता को बहकाने के लिए झूठ परोसने का लगातार कुप्रयास कर रहे हैं, उन्होंने आगे ये भी लिखा है। विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने लिखा, शर्म कुछ बची नहीं है क्या संबित पात्रा, बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, इस यात्रा से इतनी बौखलाहट क्यों है। कांग्रेस नेता हैं रोशन लाल बिट्टू, उन्होंने घटिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया संबित पात्रा के लिए, उन्होंने कहा, संबित पात्रा से अपने बच्चों को बचाकर रखना, मासूम बच्ची को भी अपनी नफरती नजर से नहीं बख्शा। आप देख सकते हैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए, अपने मास्टर के आदेश पर बेशर्मी करते रहो, और इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, उन्होंने भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उन शब्दों को अभी आपके सामने नहीं रखूंगा, आप ट्वीट पढ़ सकते हैं, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुच्छ राजनीति के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शा जैसे, और तू तुकारे की भाषा का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यह भाषा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह बात सही है कि संबित पात्रा ने एक मौका दे दिया कि कांग्रेस एक के बाद एक उन पर हमलावर हो जाए, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्टिव है, और कांग्रेस जिस तरीके से तीखे हमले कर रही है वो अंदाज अभी तक देखने को मिलता था बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब उसी अंदाज में कांग्रेस की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। यानी कांग्रेस इस बात को पूरी तरह से देख रही है कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा जो सड़क पर चल रही है या कन्याकुमारी से चल रही है वही नहीं, सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उस पर पैनी नजर रखनी है, कोई हमला होता है तो उसको काउंटर अटैक करना है। कांग्रेस की नेता है डॉली शर्मा, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, आप जाकर पढ़ सकते हैं, उन्होंने मूर्खों का सरताज तक कह दिया संबित पात्रा को, धर्म और जात के इस चश्मे को उतार कर कभी देखना चाहिए, ये भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल की इस पदयात्रा को लेकर लोगों में एक उत्साह तो देखने को मिल रहा है, जहां जहां से अभी तक गुजरे हैं शुरुआती दौर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, हर वर्ग के लोग पदयात्रा को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं, बुजुर्ग और बच्चे भी पदयात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं उनका गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं, बच्चों में भी राहुल गांधी को लेकर काफी उत्साह है, पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी बच्चों से मिल रहे हैं, आपने हाल में एक तस्वीर देखी होगी जहां पर बच्ची की सैंडल ठीक करते हुए राहुल गांधी दिख रहे थे, ये भी काफी चर्चा का विषय बन गई थी। एक के बाद एक ऐसे कई लम्हे आए हैं जब राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें या छोटे छोटे लम्हे जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा चर्चित बना देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब बीजेपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया जा रहा है तब तब ये उल्टा पड़ जा रहा है, और ऐसा एक नहीं दो नहीं कई केसेस में देखने को मिला है। पहले टी शर्ट को लेकर जब हमला किया गया तो टी शर्ट के बाद में प्रधानमंत्री मोदी के कई कपड़ों को लेकर चश्मे को लेकर टिप्पणियां सामने आने लग गई, इसके बाद में स्मृति ईरानी जो कि अमेठी में हरा चुकी हैं राहुल गांधी को, बड़ा चेहरा है राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के पास में, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि कन्याकुमारी से निकल रहे थे लेकिन स्वामी विवेकानंद को भूल गए, तुरंत ही स्वामी विवेकानंद के दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें और वीडियोज जो है वो वायरल होने लगे। ये कुछ और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे बहुत
सारे लम्हे आए हैं और उसमें ये एक बड़ी बात हो गई कि यहाँ पर संबित पात्रा ने एक मुस्लिम बच्ची के साथ या एक हिजाब पहनी हुई बच्ची के साथ में राहुल गांधी की पोस्ट की तस्वीर को पोस्ट करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाते हुए अपनी पोस्ट लिख दी और इसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा है, सबके लिए है। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल चुकी है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और करीब 150 दिनों के बाद कश्मीर में इसका समापन होगा। इस यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे मौके आए हैं जब जब भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने हमला किया है तो उसका कांग्रेस ने पलटवार करके जवाब दिया है। आपको याद होगा कि इन लम्हों के अलावा कई ऐसे मौके भी आते हैं जब कोई टिप्पणियां की जाती हैं, वो भी चर्चा का विषय बन जाती हैं। उदाहरण के लिए बाबा रामदेव हैं, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी योग करते हैं या इंदिरा गांधी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग कर रहे हैं और जिनको कोई पूछ नहीं रहा था उनके आज नेशनल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं, ऐसे में ये उनकी विजय यात्रा कहलाएगी। अब ये उन्होंने तंज के लहजे में कहा या जिस लिहाज से भी कहा है, लेकिन खूब ये चर्चा में आया और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसको भी जमकर वायरल किया, ट्रोल भी किया, कई लोगों ने तारीफ भी की बाबा रामदेव की, धन्यवाद भी दिया और हवा का रूप बदल रहा है जैसी बातें भी कही। वहीं प्रशांत किशोर ने सलाम अशवीरे के लिहाज से ही कहा कि कुछ हिंदी बेल्ट के राज्यों से यात्रा को निकाला, मतलब उन्होंने अपने तरीके से यात्रा के विषय में कुछ टिप्पणियां की जिसके बाद में उसको इस लिहाज से भी लिया गया कि प्रशांत किशोर की भी नजर इस बात पर, यानी उनका अटेंशन भी राहुल गांधी या ये भारत जोड़ो यात्रा खींच पाई है। कुल मिलाकर ऐसे तमाम लोग जो अभी तक आलोचना करते रहे वो राहुल गांधी की पदयात्रा पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जब कुछ टिप्पणियां की जाती है, हमला किया जाता है तो वो उलट पड़ जाता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे लोकप्रियता पा रही है। अब देखना होगा कि क्या ये एक जो मोमेंटम बना है या जिस तरीके से राहुल ने इस यात्रा को शुरू किया वो इसको आगे भी बढ़ा पाते हैं। दक्षिण के राज्यों में जो उनको रिस्पांस मिल रहा है, क्या वो उत्तर के राज्यों में, हिंदी बेल्ट के राज्यों में भी मिलता है? क्या इस यात्रा से कॉन्फिडेंस लेकर राहुल अब कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं, यात्रा को चुनावी राज्यों में ले जाने वाले हैं, यात्रा को और बड़ा बनाने वाले हैं? जैसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये यात्रा एक बार फिर चर्चा में आई बीजेपी की वजह से, संबित पात्रा के ट्वीट की वजह से, और ट्वीट ऐसा किया कि जिस पर वो ट्वीट खुद उन पर उल्टा पड़ गया और अब कांग्रेस जमकर हमलावर है, एक के बाद एक तीखे हमले संबित पात्रा पर कर रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।